अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए रिज़क में तरक्की के लिए एक नया वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्ले शैइन अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्ले शैइन अलीम। ये अमल तरक्की रिजक के लिए फजर की नमाज के बाद 45 मरतबा रोज़ाना आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्ले शैइन अलीम, और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है फजर की नमाज के बाद। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपके रिजक में बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाएगा, बशर्ते के आप रिज्क हलाल कमाएं। रिज्क के हलाल में बरकत अता फरमाएगा मालक, बेईमानी और हेरा फेरी में नहीं। एक ये भी मसला है हमारे पाकिस्तान में, बेईमानी की तरफ तवज्जो करते हैं, बेटे को मुलाजम वहां लगवाते हैं जहां हराम का पैसा ज्यादा हो, चाहे घर में 1 लाख की दवाइयां क्यों ना आ जाएं सबके लिए। इस बात की समझ नहीं आती, ये 1 लाख की दवाइयां क्यों आई हैं, क्योंकि आपने आराम इकट्ठा किया है, लोगों का हक मारा है, और वो हक कहीं ना कहीं तो जाना है ना, ये दुनिया में आपने देना है और अशर वाले दिन भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए रिज़्क के हलाल अगर आपकी नीयत है कमाने के लिए, तो उसके लिए आप ये फजर की नमाज के बाद 45 मरतबा पढ़ेंगे। पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और अल्लाह के हजूर दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत खाऊं, क्योंकि अच्छी बात सबको हजम नहीं होती भाई मेरे, अच्छी बात सबको हजम नहीं होती, इसलिए आपको बता रहा हूँ रिज़्क़ के हलाल कमाने की कोशिश करें। आप मिलना वही है आपको, चाहे आप हराम कमा लें चाहे आप हलाल कमा।